पेमेंट फेलियर। यूपीआई पेमेंट्स क्यों फेल होते हैं? कभी पैसे कट जाते हैं लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है। कभी यूपीआई पिन एंटर तो कर दिया है लेकिन पैसे अकाउंट से डेबिट ही नहीं होते ट्रांसफर के लिए। कभी अपने अकाउंट के सर्वर नहीं आते और कभी पेमेंट रिसीव करने वाले के बैंक अकाउंट के सर्वर गायब रहते हैं। बेसिकली कई बार पेमेंट पूरा होता ही नहीं है और उसकी वजह से काम भी अटक जाते हैं काफी सारे। आज की वीडियो में बताऊंगा ऐसा होता क्यों है और किस बैंक का पेमेंट फेलियर रेट सबसे ज्यादा रहा इस साल। ऑल्सो अगर अकाउंट से पैसे कट गए और पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो रिफंड के लिए क्या करना चाहिए, ये भी जानेंगे आज की वीडियो में। शुरू करते हैं फिर से जल्दी से। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और इसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। उसके बाद से यूपीआई ने पेमेंट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है लोगों का। हमारा ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड ही बदल चुका है और वो भी ऐसे कि अगर कभी वापस पुराने मेथड पर स्विच करने की ज़रूरत पड़ी तो बहुत दिक्कत होगी, आसान नहीं होने वाला है वो कैश लेके चलना। इसने हमारे डिजिटल पेमेंट के सिनेरियो को पूरी तरह बदल के रख दिया। दुकान से कुछ सामान लाना है, मॉल में शॉपिंग बिल पे करना है, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है या फिर आपके घर के पास वाले वीकली सब्जी बाजार से सब्जियाँ ही लानी हो, अब हर जगह यूपीआई चलता है। वॉलेट लेकर चलने का झंझट ही खत्म कर दिया है इसने। एंड यूपीआई अब इंडिया के बाहर भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है, जैसे कि भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई, इन सब कंट्रीज में यूपीआई चलता है। लेकिन इस सब के बाद भी अपनी ही कंट्री में पेमेंट फेलियर्स क्यों फेस करने पड़ते हैं हमें इतने सारे? तो एनपीसीआई के अकॉर्डिंग पिछले साल यूपीआई पेमेंट फेलियर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और ये फेलियर्स दो वजह से होते हैं, एक है टेक्निकल डिक्लाइन और दूसरा है बिजनेस डिक्लाइन। बिजनेस डिक्लाइन होता है आपके और मेरे अकाउंट की तरफ से, जैसे अगर यूपीआई पिन गलत एंटर हो गया तब पेमेंट में दिक्कत होगी, जिसे भेजना है पैसा उसका अकाउंट ही गलत सिलेक्ट कर लिया हमने तब दिक्कत हो सकती है पेमेंट में, या आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या टोटल अमाउंट की लिमिट खत्म हो गई है तब। इन सब केसेस में पेमेंट को लेकर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं हमें और इन्हीं सब वजह से होता है बिजनेस डिक्लाइन। और वही टेक्निकल डिक्लाइन का इशू तब आता है जब बैंक या एनपीसीआई की तरफ से दिक्कत बन रही होती है, अब चाहे वो सर्वर की दिक्कत हो या जो भी दूसरा रीजन हो सकता है। कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस मीट में बताया था कि जब भी यूपीआई की सर्विसेज में दिक्कत आती है तब वो दिक्कतें एनपीसीआई या फिर यूपीआई की तरफ से नहीं आती, वो दिक्कतें आती हैं बैंक की तरफ से। और उन्होंने ये भी बताया कि बैंकिंग रेगुलेटर लगातार बैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट में है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द। जब भी यूपीआई डाउन होता है तब उस डाउन टाइम में आरबीआई चेक करता है कि कहीं एनपीसीआई के एंड से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और रिजल्ट यही आता है कि एनपीसीआई की तरफ से कोई रुकावट नहीं होती है। वो दिक्कतें सिर्फ बैंक्स के एंड्स पर हो रही होती हैं, जिनके काफ़ी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, और अभी इन इश्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिशें भी बहुत चल रही हैं। वैसे भाई कभी कभी तो फाइनेंशियल लॉस हो ना हो लेकिन इज्जत का बहुत नुकसान हो जाता है। वो होता है ना कि आप किसी क्लोज के साथ बाहर घूमने गए हैं और पेमेंट के टाइम पर आप जिद करते हो कि मैं कर देता हूँ, और उसके बाद आप क्यूआर स्कैन करते हो और पता चलता है कि यूपीआई चल ही नहीं रहा है या फिर पैसे कट गए और वो सामने वाले अकाउंट में गए ही नहीं है। ऑल्सो जब 4 जून को लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन मार्केट पूरा गिरा हुआ था तब बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस दिन, और उन्हीं लोगों में से बहुतों को प्रॉब्लम आई थी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने में। वेल, जब इतना बड़ा नेटवर्क बन ही गया यूपीआई का हमारे देश में तो ये डाउन टाइम और फेलियर्स कम से कम होना तो ही अच्छा लगता है। एनपीसीआई के डेटा के अकॉर्डिंग किन बैंक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है यूपीआई पेमेंट्स के केस में वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अमाउंट ट्रांसफर करने के केस में सबसे ज्यादा फेलियर्स फेस करता है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक 16% टेक्निकल डिक्लाइन रेट के साथ। उसके बाद लिस्ट में आता है आरबीएल बैंक 5.3% फेलियर रेट के साथ। फिर है आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक 4.9% के साथ, और आईपीपीबी 4.47% फेलियर रेट के साथ आता है। और अगर बात करें पेमेंट रिसीवर के केस में तब भी टॉप पेमेंट फेलियर्स में सबसे ऊपर बैठा है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक 12% रेट के साथ। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक एंड आईपीपीबी बैंक दोबारा से 2.4% से लेके 3.1% तक की रेंज के फेलियर रेट के साथ। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, यही कि एसबीआई कैसे बच गया यार इस लिस्ट में से। मुझे भी यही लग रहा था जब पता चला था कि आ गई अब लिस्ट कि यार एसबीआई टॉप पर होगा, लेकिन नहीं, इस बार सही निकला एसबीआई। एनीवेज, अब एक सवाल ये कि जब तक पेमेंट फेलियर की दिक्कत ठीक नहीं होती तब तक तो पैसे कट जाते हैं बिना पेमेंट कंप्लीट हुए, उनको वापस कैसे लाएं? वेल, ये तो ज्यादातर सबको पता ही है कि वो अमाउंट घंटे भर में वापस आ जाता है आपके अकाउंट में, और अगर ये रिफंड नहीं आता है तो 24 घंटों का वेट करें, तब भी नहीं आता तो बैंक की कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल करिए, कंप्लेन रजिस्टर करवाएं और मैक्सिमम 4 to 5 business days में पैसे आ जाते हैं। वैसे ये कुछ ही रेयर केसेस होते हैं, अदरवाइज पेमेंट फेलियर के कुछ ही देर में रिफंड आ जाता है अकाउंट में।
चलो फिर, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब भी कर लेना।